यार हर बकरा ही मतलब पास जाओ तो किसी करने आ जाता है। अड्डे तो इमरान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, योर बॉय इज बैक विद अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब। यार आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि आपको पता बकरा ईद आ रही है और हम जैसी जनरेशन अगर अपने घर में बड़ा ना देखे तो भाई रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं मिस्टर वहाब और शहजाद और अपने अंकल के साथ बकरा मंडी। सो लेट्स गो। अब चलेंगे अंदर मंडी जाके देखेंगे कि क्या सीन है। ये है जी अकबराबाद मंडी, अकबराबाद चौक के पास। माशाल्लाह जानवर चेक करें जी। और आपको इन चीजों से भी बच के रहना है भाई, कहीं ऐसे ना हो जाए। बबर शेर क्या हिसाब था बबर शेर का? बबर शेर का मोल तो 4 लाख करते हैं। कितना करते हैं? 4 लाख जी। ब्लैक का? इसका 280 मांग रहे। सबसे पहले बंदे के पास आए हैं और उन्होंने शुरू में ही हार्ट अटैक दे दिया। एक का 4 लाख रेट बता रहे हैं और उस ब्लैक का बता रहे हैं 2,80,000। मतलब कि यहीं से वापस जाने वाले रेट बता रहे हैं। और आपके भाई का शूज माशाल्लाह टाइम। ओए हो वो बीस्ट माशाल्लाह, लुक सो बिग। बकरे भी हैं जी माशाल्लाह। ये जानवर माशाल्लाह से इस पूरी मंडी में सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं पास जाने से डर रहा हूँ। वो कहते ना मैं धरूक ले जाके चपेड़ा मारियाँ, इतने भी हिसाब ना हो मैं धरूक ही ना ले जाए। अग्रेसिव। इसका रेट पूछते हैं की रेट है। 10 लाख रुपया माशाल्लाह जी। 10 लाख मांग रहे हैं जी इस शेर का। साजी दोंदा है चोगा है? दोंदा है? माशाल्लाह। अच्छा चेक पे कराइए जरा। माशाल्लाह जी दोंदा बोल रहे हैं और दोंदा बेसिकली यंग की निशानी है। चोगा भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ओल्डर है और अब चेक करेंगे कि ये वाकई दोंदा है कि चोगा। माशाल्लाह दोंदा है जी। दोंदा रैबिट। माशाल्लाह शेर। आप देख सकते हो इस बॉय की हाइट चेक करो और बेड़े का साइज चेक करो। माशाल्लाह इस बीस्ट को दूसरे बीस्ट के साथ बांध दिया जी।
ਸਾਰੀ ਆਦਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਗੁੰਡੋ ਮੇ ਫਸ ਗਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ यार हर बकरा ही मतलब पास जाओ तो किसी करने आ जाता है अड्डे तुसी इमरान हाशमी ये मिस्टर वहाब और मिस्टर शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी तो अब हमारे साथ भी चार बंदे हो गए हम टोटल माशाल्लाह से और चारों मिल गए अब रेड करवाएंगे की पता है शहजाद का मूव है क्यों जी ब्रो ब्रो गुड मॉर्निंग माशाल्लाह इतना दुखी है उसने आते ही कह दिया कि मेरा मुंह देख के घर वाले मुझे रोटी नहीं दे सोना लग रहा है लाल केक लग रहा है कहना कहना मेरा मुंह देख के घर दे मुझे दूजे रोटी नहीं देंगे इतने किसी ने बैठे का रेट की देना सही गल है तेन के नाल असि मिले हैं मुंह देख के तरस खा ये बड़े का मिस्टर वहाब रेट करवा रहे हैं और इसका 2,10,000 रुपया काफ़ी गंभीर स्थिति है यहाँ पे इसका मांग रहे हैं जी 2,10,000 और ये वाला जी छिग्गा है मतलब बड़ा है और इसका मांग रहे हैं 7,50,000 रुपया ये उस्ताद जी भी व्यापारियों के साथ आए हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी क्या हाल है ठीक हो कितो आए हो कानपुर कानपुर कैंपुर ओ कितो दा वे अस्सलाम वालेकुम उस्ताद ओ कितो कितो किथे वे कैंपुर इधर इधर किधर यार ठोर पंत किने जानवर बेचे सुबह दे तुसी एक बेचे है बेड़ा बेचे है के बकरा बेचे है वड़ा बेचे है सही हो पढ़ दे हो के नहीं केड़ी क्लास पढ़ना नहीं वैरस है वैरस वैड़े नाल पढ़ना नहीं वैरस की मतलब पता नहीं ये बॉयज कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन मजा आया ओके बॉयज इज भाई मंडी के रेट बहुत ज्यादा हाई है बहुत बहुत ज़्यादा हाई रेट है मंडी के चाहे वहाब मिस्टर वहाब को एक और बड़ा पसंद आया और इसका मांग रहे हैं 3,50,000 रुपये वीडियो बना गया था छोटे छोटे बच्चों के साथ और एक और रह गया था वो भागता हुआ कहता मैंने भी वीडियो में ना आइया उस्ताद जैसे उसने कहा चाचू उस्ताद आइया जिन जिन मुन्नू चाचू कहना उन जी कहना आइया यार क्यों शर्मा रहे हैं उस्ताद उस्ताद ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰਪੁਰ ਬਾਬਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਆਦਾ ਬਰਾਉਨ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਈ ਕਿਡਸ और जब आप मंडी में आए हो ना तो आपने इन चीज़ों का भी यू नो इन चीज़ों के लिए भी रेडी रहना पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद Bye bye. ये बेसिकली वैडे को पसंद करने के बाद उसकी रैंप वॉक करवाई जा रही है चेक कर रहे उसको कि प्रीटी जिंटा चलती कैसे है लेकिन फर्क तो है ना चार पांच चार महीने का फर्क है दो महीने ला ला दो महीने चाह चाह चाह
तू वड़ा यूट्यूबर तू आ तेनु मैं दसना ओ जा मेरा पुत्र टुर जा बड़ा थ्रई जा टुर जा माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा जानवर माशाल्लाह तेनु आछा पर मंडी के रेट्स बहुत ज्यादा आई हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बकरों के भी और भेड़ों के भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अब हम कहीं और जा रहे हैं, अब हम आगे मंडी में जा रहे हैं अकबराबाद चौक के बाद। अगर आप सियालकोट से हैं तो शायद आपको पता होगा, उधर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई रेट है और वहाँ यहाँ पे जो दो तीन जानवर हमें पसंद भी आए उनका रेट नहीं हुआ। तो चलो आगे चलते हैं, जिधर अल्लाह ताला ने लिखा है जानवर तो उधर से ही लेंगे, लेकिन ले के जाना खैर। एक और मंडी हम आ गए हैं, और ये मंडी नहीं है, मंडी लाइट है बेसिकली, छोटी सी मंडी है। और दैट वन लुक्स बिगर, दैट वन। सबसे मुश्किल काम है इन भेड़ों के बीच से गुजरना, मैं जिते टक्कर पे आ गई। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, इन चीज़ों से भी बच के रहना है। और यार आज के दिन की एक ख़ास बात ये है, जिसको हमारा गुड लक भी बोल सकते हो, कि आज गर्मी नहीं है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है। कि नहीं तो गर्मी में इस तरह के हालात में मंडी में आना को बंदा भाई ज़्यादा हो जाता है। आपने लास्ट मेरा मंडी का व्लॉग देखा होगा, ये वाली मंडी नहीं, सब्ज़ी मंडी वाला, अगर नहीं देखा तो देखो जाके। उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और उसमें आपके भाई के फ़ोन को टेम्परेचर भी हो गया था। जब आपको कहीं से जानवर पसंद ना आ रहा हो तो फिर इसी तरह खुआरी होती है, लेकिन खुआरी के बाद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आहो पसंद आ रहा, रेट नहीं हो रहा, वही सीन है ना खुआरी। तो खैर लगे हुए हैं कोशिश में, उम्मीद है अल्लाह ताला से कि भाई कोई तो हमें हमारी मर्जी का रेट दे देगा। सर वह आपको ये बड़ा पसंद आ रहा है इस ब्राउन का 170 मांग रहे जी। नाइस, तो जी महाराज इस बैठे को लेके रेट चल रहा है, ये हमारी बहस हो रही है। जो बड़ा हमें पसंद आया है उसकी रैंप वॉक करवाई जा रही है जी। जौन सा वाड़ा हमें पहले पसंद आया, जिसकी डील नहीं हुई, मिस्टर वहाब वापस आए हैं, क्योंकि वो जानवर माशाल्लाह काफ़ी प्यारा था। तो देखो क्या होता है, हु नोज, अल्लाह बेहतर करे। इस बंदे के पास हम वापस आए हैं दोबारा, क्योंकि जानवर हमें पसंद आया था,
देखो अब क्या बनता है, दोबारा से बैच स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं इसका आगाज जो हुआ है वो तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं इसका खात्मा अच्छा होता है कि नहीं होता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अभी बैच शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हाई रेट है। पिछले साल जो जानवर था ना 40,000 का बकरा, वो इस बार 50,000, 10,000 प्लस मांग रहे हैं, 20,000 प्लस मांग रहे हैं। ये है जी वो जानवर जो हमें पसंद आया है, माशाल्लाह। ये जी हमारे बैठे की रैंप वॉक बेसिकली इसको चेक करते हैं जी कि जानवर फिजिकली बिल्कुल फिट है, कोई इंजरी तो नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा बहस के बाद, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उस वैरे पे डील डन हुई है। 137,500, 1,37,500 डील डन, लॉक कर दिया जाए। मैं मंडी आया, मैंने एक चीज़ गौर की है कि जो भी बड़ा जानवर है उसका कलर वाइट है। आई डोंट नो वाई जस्ट टक्कर पड़ने वाली थी आपके बॉय को, और आपका बॉय यूट्यूबर से स्ट्रेचर पे जाने वाला था। मंडी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और अभी अभी अपने वैरे का रेट तो फाइनल करके आए हैं, अब Here is another beast, but in brown color. मुझे एक और जानवर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा है और वो मैं दिखाऊँगा आपको, दिस वन। माशाल्लाह साजी की रेट ज़्यादा, माशाल्लाह 8.5 लाख रुपये मांग रहे हैं जी। ये जितने भी जानवर आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह आसपास, इन सब के मालिक हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि देखेंगे ये जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं, क्या सारा प्रोसीजर होता है, सारा साल क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। की ना आज तुम्हारा? मेरा नाम अरसलान है। ठीक हो गया। तो किस तरह सारा साल जानवरों की देखभाल करते हो, कितों लियांदे हो? जनाब ये असीं लियांदे मुल्तान तो जानवर। ठीक हो गया। इन्हां नूं तकरीबन 8 महीने असां पट्ठे पाए। अच्छा माशाल्लाह। इन्हां नूं 8 महीने सांभिया, इन्हां नूं वंडा है वो पाईदा, विच कणक जिहड़े वो गंदम जिहड़ी हुंदी है उहनूं दला के ते वो भिओ के ते इन्हां नूं पाई दी है। इन्हां जानवरां नूं इन्हां नूं कोई फीड नहीं पाई, कोई खुराक दूसरी नहीं पाई, सिर्फ घर दे पट्ठे ते घर दा जिहड़ा वंडा है ना कणक वगैरा वो ही पाया। माशाल्लाह जानवरां दा तुसीं वेट चैक करो, जानवरां दे कद चैक करो। साहिवाल दा लैड़ा, ये बड़ा जी साहिवाल का। हाँ जी जी। तो आपने देखा है कि किस तरह ये सारा साल इन जानवरों की देखभाल करते हैं, उनको देसी खाना घर का खिलाते हैं, और माशाल्लाह नज़र भी आ रहा जितनी उनकी हाइट्स हैं। उस्ताद जी कितने जानवर तुसी हाल तक बेच चुके हो? असी जानवर कोई 9-10 बेच चुके। 9-10 माशाल्लाह। ते कम प्रॉफिट च रहा वे, ठीक ठाक रहा वे? अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रब ने दी है। बेशक बेशक, देन अल्लाह ताला वे जी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को जो अपने इलाकों को और अपने घर बार को छोड़ के आए हैं यहाँ पे रिस्क कमाने आए हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा फरमाए और इनको हिम्मत तंदुरुस्ती दे, ताकि ये मज़ीद इस तरह के जानवरों की परवरिश कर सकें आने वाले मज़ीद सालों में, ताकि लोग इनसे जानवर खरीदें और कुर्बानी करें। जिस चीज़ का डर था, फाइनली डर नहीं था, खैर दुआ कर रहे थे कि गर्मी ना हो, लेकिन गर्मी अब आ गई है। मुझे मिस्टर वहाब की कॉल आई है कि उसामा साहब वापस आ जाओ मंडी से बाहर, क्योंकि हमारा रेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, तो मैं वैसे मंडी का विज़िट कर लूँ, वो भी मैंने कर लिया। तो अब मुझे कॉल आई है, अब हम जा रहे हैं घर, अपना वैड़ा लोड करवाएंगे फिर अपने घर की तरफ। जी तो हमने अपना वैड़ा लोड करवा लिया है, अब ये जाएगा घर,
और हम भी इसी तरह घर जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमें भी बड़ा टाइम पे पसंद आ गया। और इसी तरह इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो का मज़ा आया होगा। अगर वीडियो का मज़ा आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।